अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PSY 404 के लेसन 33 के टॉपिक 185 से लेकर 191 तक डिस्कस करेंगे। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को हम डिस्कस कर रहे थे, क्लस्टर ए को हमने डिस्कस कर लिया था, क्लस्टर बी को हम देखते हैं। क्लस्टर बी की पहली जो डिज़ीज़ है वो है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों के राइट्स को वॉयलेट करते हैं। ये 15 साल की उम्र से शुरू होती है डिज़ीज़। दर्जाल में से कोई से तीन सिम्टम्स होना ज़रूरी हैं। सोशल नॉर्म्स और रूल्स को फॉलो करने में ऐसे लोग नाकाम रहते हैं। ये दूसरों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। इनके दिमाग में जो आता है वो कर गुजरते हैं। दूसरों से लड़ाइयाँ करते हैं, इन्हें मारते हैं। इन्हें इस बात का ख्याल नहीं आता कि जो कर रहे हैं उनका खुद को भी नुकसान हो सकता है। किसी भी चीज़ की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करते, अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाते, कभी भी अपने एक्ट्स पर गिल्ट महसूस नहीं करते। एज शुड बी 18 फॉर डायग्नोज। इसको डायग्नोज करने के लिए कम से कम 18 एज होनी चाहिए। 18 या 18 से ज़्यादा एज में ये बीमारी जो कॉज होती है। इसके अलावा कह रहा है कि ये जो है नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय द शिज़ोफ्रेनिया और अदर बाइपोलर डिसऑर्डर। टॉपिक 186 है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कह रहा है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के इसे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शिजोइड फ्रीनिया और दूसरी पर्सनैलिटी, इंसान की जो पर्सनैलिटी है इसके दरमियान एक लाइन की तरह होता है, एक बॉर्डर की तरह होता है। इसमें बंदा दूसरे लोगों से वो खौफ महसूस करता है, दूसरे लोगों से खौफ महसूस करता है और इस तरह की सिचुएशन जो होती हैं वो उनसे दूर भागता है। इसका रिलेशन बहुत जल्दी दूसरों से ख़त्म हो जाता है। इनका सेल्फ इमेज भी तब्दील होता रहता है, अक्सर सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। इनका इमोशनल जो रिस्पॉन्स है वो एक जैसा नहीं रहता, चेंज होता रहता है। कभी गुस्से की हालत में होते हैं, कभी खुशी की हालत में होते हैं। इन्हें काफ़ी अरसे से खालीपन से महसूस होता है जो कि इनमें चलता रहता है। अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं, ज़्यादातर स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन की हालत में रहते हैं। टॉपिक 187 है हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पढ़ लें आप इसको जैसे। अच्छा, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ही हम देखेंगे। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं और दूसरों के की अटेंशन हासिल करना चाहते हैं। ऐसे बंदों को अगर अटेंशन ना दी जाए वो अनकम्फर्टेबल महसूस करेगा। कल्चर से मुख्तलिफ बिहेवियर होगा। इनके जज्बात शैलो होते हैं, टम्परेरी होते हैं। अपनी बात से इनकी बात से अंदाज़ इस अंदाज से बात करेंगे कि लोगों को वो अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहेंगे। वो ड्रामेटिकली भी बिहेव करेंगे, दूसरों की सुपरविजन मतलब कि दूसरों की जो सजेशन है उसको वो इनसे जल्दी मुतासिर हो जाएंगे, उनकी जल्दी सजेशन मान लेंगे। जिस तरह मतलब लोग कहेंगे उसी तरह उनके मुताबिक काम करेंगे क्योंकि वो चाहेंगे कि लोग उनसे इम्प्रेस हों। आगे है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कह रहा है इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ही देखेंगे हम कि सेल्फ लव। ऐसे लोग खुद से प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि दूसरे भी इनकी तारीफ करें, इनसे प्यार करें, लेकिन वो दूसरों के लिए इस तरह के जज्बात नहीं रखते। अपने लिए बहुत आला दर्जे तक सोचेंगे। वो चाहते हैं कि दूसरे लोग इनकी तारीफ़ करें। वो समझते हैं कि बहुत स्पेशल हैं, इसलिए वो बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात रखना पसंद करते हैं। वो समझते हैं कि वो बहुत ज़हीन हैं या बहुत पावरफुल हैं, बहुत खूबसूरत हैं। वो नुमायाँ समझते हैं खुद को और वो चाहते हैं कि लोग उनको पसंद करें, लेकिन वो खुद ऐसा नहीं करते। वो सिर्फ इतना ये चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ़ करें, वो दूसरों की तारीफ़ करना पसंद नहीं करते। वो समझते हैं कि लोग उनसे हसद करते हैं और वो भी लोगों से हसद करते हैं। बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा तकबर पसंद होते हैं ये लोग। टॉपिक 189 है क्लस्टर सी के अंदर पहली डिज़ीज़ है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वो पार्टीज़ में, मीटिंग्स में इनसे दूर भागते हैं इस तरह के लोग। ऐसी जगह पर वो समझते हैं कि जहाँ इनको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा इन जगहों पर वो जाने से गुरेज करते हैं। हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को ही डिस्कस कर रहे हैं इसमें भी। वो इस वक्त तक कह रहा है कि सोशल इवेंट्स में नहीं जाएंगे जब तक इन्हें इस बात की श्योरिटी ना दे दी जाए कि वहाँ इन्हें पसंद किया जाएगा।
अपने क्लोज़ जो रिलेटिव्स हैं इनके सामने भी वो खुलकर बात नहीं करते, वो हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि दूसरे इनको रिजेक्ट कर देंगे या क्रिटिसाइज़ करेंगे। नए रिलेशंस बहुत कम बनाते हैं, वो समझते हैं कि वो इस काबिल नहीं है कि दूसरों के साथ डील करें, वो किसी भी किस्म के रिस्क में इन्वॉल्व नहीं होते। 190 टॉपिक है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ही देखेंगे हम। इसमें कह रहे हैं कि इसमें बंदा छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंड करता है, अपनी डिसीजन दूसरों के मशवरे के बिना नहीं कर पाता, ज़िंदगी के हर छोटे बड़े कामों में दूसरों के मशवरे लेता है। अब वो अगर दूसरे से डिसग्रेस भी कर रहे हों तो भी इनकी बात मानेगा। इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता, दूसरों की मदद लेने के लिए वो काम भी कर गुजरते हैं जो वो उनके नाखुशगवार होते हैं। अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब ये अकेले होते हैं। जब ऐसा बंदा इन लोगों से दूर हो जाए जिससे वो मतलब कि जिसकी वो प्रेजेंस में उस प्लेयर फील करते हैं, जिससे हर बात पूछ कर हर काम करते हैं, अगर वो बंदा मौजूद ना हो तो उसकी जगह किसी और बंदे को तलाश करते हैं कि उसकी जगह कोई और बंदा हो जो कि हमारी हेल्प करे। टॉपिक 191 है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसके अंदर कह रहा है कि ऐसे लोग हर चीज़ में परफेक्शन चाहते हैं, एक चीज़ के रिलेटेड दूसरी चीज़ों को परफेक्ट करने में टाइम गुजार देते हैं और असल चीज़ वहीं के वहीं पड़ी रह जाती है। मसलन कोई ऐसे लिखना हो किसी ने तो वो क्या करता है कि पेज के ऊपर हाशिए लगाने में टाइम गुजार देता है, उसके सेटिंग करने में टाइम गुजार देता है। चीज़ को इतना ज़्यादा परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से असल काम वैसे का वैसा ही रह जाएगा। एक चीज़ पर ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो बाकी चीज़ें जो हैं कह रहा कि वैसी ही रह जाएंगी। वो हर चीज़ में मोरालिटी की तरफ जाते हैं, चीज़ों को इकट्ठी करते रहते हैं जो कि लो वर्थ होती हैं। इसके अलावा कह रहा है कि ये जो लोग होते हैं ये ना खुद पर पैसे खर्च करते हैं और ना ही दूसरे कामों पर पैसे खर्च करते हैं, रिजिडिटी से काम लेते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। ये व्यूज़ आपका हो गया लेसन कंप्लीट। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।